हाय गाइस, वेलकम टू ट्रैवलिंग मंचीज़। आज हम लोग जाने वाले हैं मराठी स्टाइल लंच करने के लिए, लेकिन आज जहाँ जा रहे हैं उनका मेन्यू काफ़ी वास्ट है, तो कोशिश ये रहेगी कि लंच के आइटम के साथ साथ थोड़ा स्नैक्स भी ट्राई कर लिया जाए। खाने की, लोकेशन की सारी डिटेल्स जानने के लिए इस वीडियो को पूरा देखिएगा। अब ज़्यादा देर न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो उसको लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब बटन और बेल आइकन दबाइए। चलिए अब निकलते हैं यहाँ से। तो आज हम लोग आ गए हैं मुरम्बा द मराठी किचन, जो ECS लेआउट में है। लोकेशन डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। जैसे कि नाम सजेस्ट करता है, ये मराठी कुजीन के स्पेशलिस्ट हैं, तो इनके पास आपको मिल जाएगी भाकरी वाली थाली, महाराष्ट्रियन थाली, पोहा, साबूदाना खिचड़ी, साबूदाना वड़ा, पूरी भाजी, श्रीखंड और बहुत बड़ी लिस्ट है। तो इसमें से हम कुछ दो तीन चीज़ें चुनेंगे और आज ऑर्डर करेंगे। एम्बियंस तो इनका काफ़ी कैजुअल है, बस अंदर इंडोर सीटिंग भी है, आउटडोर सीटिंग भी है, आप जो चूज़ करना चाहे चूज़ कर सकते हैं। अब देर ना करते हुए ना खाना ऑर्डर करते हैं। इनकी थालियाँ मुझे काफ़ी अपील कर रही हैं, लेकिन एक थाली मंगा लूँगा पूरी तो मैं खा ही नहीं पाऊँगा कुछ और। तो एक पिठल भाकरी मंगाते हैं, एक वड़ा पाव मंगाते हैं और एक मिसल पाव मंगाते हैं। चलो खाना तो लग गया है और काफ़ी टेम्पटिंग लग रहा है। मैं खासकर लंच के टाइम पे इसलिए आया था ताकि मैं लंच वाले आइटम भी टेस्ट कर सकूं। जैसे मिसल पाव और रोड़ा पाव तो हो गया अपना स्नैक वाला आइटम, लेकिन जो ये पिठल भाकरी है ये लंच का आइटम है जो दोपहर में मिलता है। तो शुरुआत इसी से करते हैं क्योंकि ये सबसे इंटरेस्टिंग लग रहा है अभी तक मेरे को। पिठल भाकरी से इसलिए शुरू किया था ये सोच के कि मिसल पाव और वड़ा पाव काफ़ी स्पाइसी होगा, लेकिन ये भी कुछ कम नहीं है। जो पिठल है वो अपने आप में ही काफ़ी फ्लेवरफुल है और एक पंच पैक करके आ रहा है, तो इसमें मुझे काफ़ी स्वाद आ रहा है। वो तो बेसन का है ही क्योंकि ये बेसन का बना हुआ है, साथ साथ हरी मिर्ची और धनिया का काफ़ी बढ़िया फ्लेवर आ रहा है। बेसन से यूजली आपको दो प्रकार के टेक्स्चर्स मिलते हैं, एक नटी वाला अगर उसको काफ़ी भुना जाए और एक स्लाइमी वाला। ये स्लाइमी साइड में थोड़ा ज़्यादा है, लेकिन इसके फ्लेवर में नटीनेस काफ़ी है। इसका मतलब ये है इसमें बेसन को गीला करके डाला गया है, लेकिन फिर उसको काफ़ी देर तक अच्छे से घोट के पकाया गया है। बेसन को इस तरीके से पकाने में एक थोड़ा सा रिस्क रहता है कि वो हल्का सा उसमें कच्चा फ्लेवर आ जाए, इसमें कच्चा बिल्कुल भी नहीं आ रहा है। हमारे यहाँ बेसन की एक सब्ज़ी बनती है मध्य प्रदेश में, काफ़ी कुछ उसके जैसा है, बस फ़र्क इतना है कि वो खट्टे साइड में ज़्यादा होती है क्योंकि इसमें हम लोग काफ़ी टमाटर डालते हैं, और ये हल्का सा स्पाइसी साइड में है। और उसके बाद भी अगर आपको अभी भी लग रहा है कि स्पाइसी नहीं है, तो इन लोगों ने साथ में एक हरी मिर्च का थेचा दिया हुआ है, और जब आप ये थेचा इसके साथ मिला के खाएंगे ना, तब आपके टेस्ट बर्ड्स एक्चुअली एक्टिव हो जाएंगे। अब बात करते हैं इस भाकरी की। ज्वार की दो भाकरी दी हुई है, काफ़ी बड़ी है, और अगर टेक्सचर की बात करी जाए तो ये भाकरियाँ इस पीठे को बहुत बढ़िया तरीके से कॉम्प्लीमेंट कर रही हैं। ज्वार की जो भाकरी होती है वो हल्की सी ड्राई साइड में होती है, और जितना भी नरिशमेंट है, जितना भी मॉइस्चर है, वो इस पीठे से आ रहा है। काफ़ी हार्टी और होलसम डिश है ये, एक प्लेट में आपका पेट भर सकता है, और इसकी कॉस्ट है 120 रुपीज़। स्टार्ट तो बहुत धमाकेदार हो गई है। मैं आधा प्लेट पिठला खा चुका हूँ, कर रहा हूँ और खाता जा रहा हूँ। इट इज़ वेरी एडिक्टिव। अब कुछ क्रंची खाते हैं। यहाँ पे इन लोगों ने जो लहसुन वाली चटनी है वो अलग से दी हुई है, वड़ा पाव में मिला के नहीं दी हुई है, तो चलो हम लोग मिला लेते हैं। जितना आपकी श्रद्धा, अपने स्वाद अनुसार इसको मिला लीजिए। मुझे थोड़ी ज़्यादा मिलानी पड़ेगी क्योंकि मैंने अभी मस्त स्पाइसी पिठला खाया है, वड़ा काफ़ी क्रंची लग रहा है। वड़ा पाव भी एकदम A1 है। जो पाव है वो अपना लादी पाव है, बॉम्बे पाव, जो अपने आप में काफ़ी सॉफ्ट होता है, और एक बार आप लादी पाव खा लो ना, फिर आपको कोई और पाव पसंद नहीं आएगा। जो अंदर का वड़ा है वो एकदम क्रिस्पी है, उसकी फिलिंग है वो बहुत रिफ्रेशिंग है, उसमें काफ़ी धनिया डली हुई है, वो स्पाइसी बहुत ज़्यादा नहीं है। स्पाइसीनेस के लिए जो बाहर मैंने लहसुन की चटनी लगाई है वो है, और साथ में एक तली हुई हरी मिर्ची है। बिना तली हुई मिर्ची के ना वड़ा पाव अधूरा होता है। ध्यान से देखोगे ना तो इसमें आपको तीन प्रकार के टेक्सचर रहेंगे। एक आता है पाव से, जो आउटर लेयर वड़े का वो बहुत ही क्रिस्पी है, और अंदर स्टार्चीनेस के लिए आलू है, लेकिन जो फ्लेवर्स हैं वो पूरे स्टफिंग से आते हैं। जो पुरानी रेसिपीज़ होती है ना, जो बहुत समय तक चलती हैं और लोगों की फेवरेट होती हैं, उनका एक बहुत बड़ा कारण होता है। जो वड़ा पाव है वो भी पूरे महाराष्ट्र में छाया हुआ है समोसे की तरह ही, और अब पूरे इंडिया में छाता जा रहा है। और इस वड़े पाव की जो कीमत है वो 30 रुपीज़ है, मेरे हिसाब से मोर देन वर्थ है। तो दो डिशेज़ हो गई, वन टू गो।
मिसल पाव एक ऐसी डिश है जिसको लेकर मैं सबसे ज़्यादा एक्साइटेड था। यहाँ पे ना आपको मिसल पाव के दो वेरियंट मिलेंगे, एक है नॉर्मल मिसल जिसमें स्पाइस लेवल जो होता है वो मीडियम होता है जो मैंने लिया हुआ है, और एक होता है कोल्हापुरी मिसल जो एक्स्ट्रा स्पाइसी होता है। वाज़न्ट फीलिंग वेरी एडवेंचरस टुडे तो मैंने मीडियम वाला ऑर्डर किया था, लेकिन इसमें सिर्फ स्पाइस का ही डिफरेंस है, फ्लेवर्स की कोई कमी नहीं है। जो मिसल की ग्रेवी है वो बहुत ही ज़्यादा फ्लेवरफुल है, उसके अंदर हल्का सा आलू और जो स्प्राउट्स हैं उनका बहुत ही अच्छा टेक्सचर आ रहा है, और जो ग्रेवी के ऊपर आप देख रहे हो जो रोगन जैसा दिखाई दे रहा है वो बहुत ही फ्लेवरफुल है, और वो फ्लेवर जो पाव है वो पूरा सोक कर लेता है। सिर्फ आप ये मिसल की ग्रेवी और पाव खाओगे ना उसी में ये मील पूरी हो सकती थी, लेकिन अभी कहानी ख़त्म नहीं हुई है। उसके साथ साथ में आता है फरसान और साइड में दिया हुआ लेमन और अनियन। जो फरसान है ये भी पाव की तरह जो ऑयली बन है उसको सोक कर लेता है और फ्लेवर फुल हो जाता है, इसलिए जो आप देखोगे फरसान जो इसमें डाला जाता है वो बहुत ज़्यादा स्पाइसी नहीं होता है, माइल्ड फ्लेवर का होता है, और हल्की सी मिठास आती है आपको कच्चे अनियन से और ऊपर डाले हुए नींबू से खटास, पूरा फ्लेवर प्रोफाइल है ना वो कंप्लीट हो जाता है। एक अच्छी बॉलीवुड स्टोरी की तरह है जिसमें हल्का सा रोमांस भी रहता है, एक्शन भी रहता है और गाने भी रहते हैं। और मिसल पाव की जो कॉस्ट है वो है 90 रुपीज़, चाहे आप कोई से भी मिसल पाव ले लो, कोल्हापुरी वाली या लेस स्पाइसी वाली। तो ये था आज का लंच। एक बात जो मैंने वहां पे नहीं बोली, जो पूरा खाना खाने के बाद मुझे रियलाइज हुई कि यहाँ का जो खाना था वो काफी फ्रेश था, क्योंकि इतना सारा खाने के बाद भी मुझे हैवीनेस वाली फीलिंग नहीं आई। कई बार होता है कि आप थोड़ा सा खाओ लेकिन बहुत हैवी लगने लगता है, वैसा कुछ नहीं हुआ। सेकंड बात, कोइंसिडेंटली जो चीज़ें मैंने ऑर्डर करी थी आज काफ़ी स्पाइसी थी और मेरे पैलेट को सूट करती हैं क्योंकि मुझे स्पाइसी खाना अच्छा लगता है, लेकिन बच्चों के लिए या जिन लोगों को कम स्पाइसी खाना पसंद है उनके लिए इनके पास काफ़ी अदर ऑप्शंस भी हैं, जैसे कि पूड़ी श्रीखंड, पूड़ी सब्जी और इनकी कुछ थालियाँ हैं जो माइल्डली स्पाइसी है, तो आप वो ट्राई कर सकते हैं। अगर समरी में बोला जाए तो जो मेरे चार पिलर्स होते हैं, एम्बियंस, सर्विस, टेस्ट और वैल्यू फॉर मनी, उन सब में मुझे अच्छा लगा। एम्बियंस कैजुअल था, सर्विस फास्ट थी, खाना टेस्टी था और वैल्यू फॉर मनी भी काफ़ी बढ़िया था, क्योंकि जितना भी मैंने खाना खाया वो वहाँ बैठ के खाने का प्राइस था 240 रुपये। ऑनलाइन के प्राइसेस अलग हो सकते हैं उसका मुझे आइडिया है नहीं ज़्यादा। तो अब मैंने आपको सारी इन्फॉर्मेशन दे दी है, लोकेशन डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो आपकी जिम्मेदारी है यहाँ जाइए और खाना ट्राई करिए। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब बटन दबाइए और बेल आइकॉन। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।